SBI PO का फॉर्म आ चुका है, तो जानते हैं सारी डिटेल्स SBI PO के फॉर्म के बारे में। 2020 में ये फॉर्म आया है, अभी देखते हैं क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब चीज़ के बारे में इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्म आया है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं 14 नवंबर को, और फॉर्म बंद हो जाएगा एक्सेप्ट करना 4 दिसंबर को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस समय ये है कि डाउन प्रीलिम्स का आपने जो फॉर्म भरा है, प्रीलिम्स जो है उसका कॉल लेटर 3rd week of December के आसपास आएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो हैं जो वो अल्टरनेट डेट्स पे होंगे 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, फिर महज 10-20 से 15 दिन बाद होगा ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम, ओके 29 जनवरी को। अब इन दोनों में जो क्वालिफाई करता है दोस्तों, दोनों को मिला के उसका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू वो लोग शेड्यूल करेंगे, कॉल लेटर्स आएंगे आपके पास फेब और मार्च के महीने में। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार जल्दी से वैकेंसीज़। वैकेंसीज़ देखिए 2000 आई हैं इस बार, टोटल 2000 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है जनरल में 810, EWS 200, OBC 540, ST 150 और SC 300। तो ऐसे इन लोग ने 2000 वैकेंसीज़ को अपना डिवाइड किया है। अब देखते हैं फॉर्म एक्चुअली में भर कौन सकता है। नॉट बिलो, यानी सीधी सी बात, मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम 30 साल एज ऑन 1/4/2020-21 के लिए और 1/4/1999, ठीक है। तो ये हो गई एज की बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो सिंपल ग्रेजुएशन जो जिसने भी किया है एक परमानेंट यूनिवर्सिटी से, वो इस फॉर्म में भर सकता है अपना सारा डिटेल्स और दे सकता है SBI PO का पेपर। आपको अब अगर आपका रिजल्ट CGPA OGPA SGPA में आता है तो उसको आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है और वही मार्क्स रखना है। मिनिमम परसेंटेज जो होता है वो आपका शुड, देखिए द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, ओके फ्रैक्शन नहीं एक अप्रॉक्स में देना चाहिए। एंड तो एलिजिबिलिटी में कुछ खास नहीं है, यही बताया गया है। आगे मैं बता दूं कि पेपर होगा कैसे। प्रीलिम्स जो होता है 1 घंटे का पेपर है, स्क्रीन छोड़ी कर दूं, 1 घंटे का पेपर है, 20-20 मिनट में तीनों सेक्शन डिवाइड हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनल एबिलिटी। 30-35-35 की कैटेगरी में ये क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। कट ऑफ निकलेगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मेंस का देखिए 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। ये होगा 3 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, वो तो आपको कॉल लेटर में ही पूरा पता चलेगा। जितने भी लिंक्स हैं, फॉर्म के लिंक हैं, नोटिफिकेशन का लिंक है, सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, ये सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे दोस्तों। गाइडलाइंस कुछ हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर की, जो हर साल सेम ही होती हैं, जो कि आपको भी पता होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल EWS OBC को 750 भरनी है और SC ST के लिए नील है, ST ST PWD के लिए नील है। अब इसके बाद कितने चांसेस होते हैं फॉर्म भरने के, जनरल EWS 4 चांस होते हैं, जनरल EWS फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है वो 7 होती है, OBC को 7 चांस, OBC PWD 7, SC ST के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भरते जाएं, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरे कहाँ कहाँ पेपर होगा, पूरे 45 स्टेट्स में ये पेपर होगा, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात से लेकर सब कुछ है। और इनमें से भी किस स्टेट में किन सब जगहों पे पेपर होगा। फॉर सपोज अब मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं देखूँगी कि मैं कहाँ का जोन भरूँ पेपर के लिए। उत्तर प्रदेश में देखिए आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बांदा, फैज़ाबाद, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ। मैं लखनऊ में रहती हूँ तो मैं लखनऊ भरूँगी। सेकंड बेस्ट इसके पास मैं कुछ भी भर सकती हूँ, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, कुछ भी। तो ऐसे हमको सेलेक्ट करना है। और ये गाइडलाइंस हैं फ़ोटोज़ और जो फॉर्म में चीज़ें आपको अपलोड करनी है उसकी, सारी चीज़ों का
सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस फॉर्म का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और यही सब है फॉर्म के। देखिए लिंक्स इसी में दिए हैं, ठीक है, लिंक्स इसी फॉर्म में दिया है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए अप्लाई नाउ, ठीक है, ये नोटिफिकेशन का लिंक आप खोलेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों उस चीज़ की। तो आप सबको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरिए, और क्या दिक्कत है।